नमस्ते बच्चों, आज हम कार्बन का पार्ट थ्री करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके बाद आपको कार्बन में कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर आपने आगे साइंस लेनी है, हाँ लेनी है ना, तो ये पार्ट करना है यार। पार्ट थ्री सबसे इम्पोर्टेंट कराने वाला हूं मैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में जानेंगे। हमने रिश्तेदारों को जान लिया, कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, आज हम उसके ब्लड रिलेशन पे चलेंगे, है ना। ब्लड रिलेशन को जानेंगे, उनके फैमिली में कितने कितने मेंबर है ना। दोस्ती तो करनी पड़ेगी यार, हंसते हुए करो चाहे रोते हुए करो, कार्बन को दोस्त बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर थ्री। तो पार्ट नंबर थ्री में हम करेंगे अल्किन, अल्किन, अल्काइन। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन नाम में आ रहा है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो से क्या बना? हाइड्रोजन। और कार्बन से क्या बना? कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। तीन तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन को, अल्केन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है सी और सी में, ठीक है। अल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है सी और सी में, और अल्काइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है सी और सी में। तो ये तीन मेन डिफरेंस है। एनीवेज ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले जरा देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, हमने पहले ही पढ़ा था। सैचुरेटेड होता है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दैट हैव ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देयर एटम। जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उनको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल हो गया मिथेन, इथेन। इनको स्पेसिफिकली अल्केन बोला जाता है, अल्केन, मैंने बताया ना अभी आपको। अच्छा, इसके बाद अनसैचुरेटेड की दो कैटेगरी आती है, द हाइड्रोकार्बन दैट हैव एटलीस्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा इनके एटम के बीच में, इनको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, या तो अल्कीन बोला जाएगा, अल्कीन के बीच में क्या होगा? अल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और या अल्काइन बोला जाएगा, है ना। अगर सी सी के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको नाम दूंगा मैं क्या है, ये अल्कीन है। अगर सी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको नाम दूंगा मैं क्या है, ये अल्काइन है। एनीवेज मैं आपको एक टेबल कराने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है जो एग्जाम में आती है, जिससे शुरुआत हुई है, ठीक है। एक मैं बहुत ही खतरनाक टेबल कराने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कार्बन फैमिली के ऊपर ही। तो ऊपर हम लिखते हैं कार्बन फैमिली, क्या लिख रहे हैं हम? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के मेनली तीन मेंबर है। पहले मेंबर का नाम है अल्केन, क्या नाम है? अल्केन। दूसरे मेंबर का नाम है अल्कीन, ठीक है। तीसरे मेंबर का नाम है अल्काइन। तो कितना सेम सेम नाम है ना, दिख रहा है आपको? लोग ट्विनिंग करते हैं, ये ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपलिंग ही बोलेंगे ना। एनीवेज एएलके, 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 तीनों में एएलके, एएलके सेम है। एनी, 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 फर्क किसका बचा? ए का, ई का और वाई का। अल्केन में हमेशा ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, अल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब सी और सी में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। अल्कीन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा हमेशा, मतलब सी और सी में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा। अल्काइन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ऑलवेज सी और सी में क्या आएगा? तीन बॉन्ड आएंगे, ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, जनरल फॉर्मूला, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, क्लियर है। अब माइनस टू कर दोगे, मतलब अगर सी एन एच टू एन लिख दोगे तो अल्कीन हो जाएगा, और माइनस टू और कर दो तो ये हो जाएगा CnH2n-2। अब बोलोगे सर ये एन क्या चीज है? एन है नंबर ऑफ कार्बन, एन इज नंबर ऑफ कार्बन। अभी टेबल कंप्लीट नहीं हुई, अभी एन के बारे में बताना है मैंने, ठीक है। तो अल्केन होगा तो हमेशा सीसी में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, अल्कीन होगा सीसी में हमेशा डबल बॉन्ड मिलेगा, और अल्काइन होगा तो हमेशा सीसी में क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। CnH2n+2, माइनस टू करोगे ये आएगा, माइनस टू करोगे ये आएगा। अच्छा बट देन, अब मैं n के बारे में डिस्कस करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता है, साइड में कर देता है, ये रहा। अब हम बात करते हैं n की, कि n क्या चीज कर दिया आपने? बट देन n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, फाइव भी हो सकते हैं, सिक्स भी हो सकते हैं, सेवन, टेन तक करते हैं, एट हो सकते हैं, नाइन हो सकते हैं, टेन हो सकते हैं। यहां लिखूंगा मैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब समझते हो? प्री मतलब पहले लगने वाला, जो नाम के पहले लगता है। अगर एक कार्बन होगा तो नाम के पहले लगेगा मिथ, मिथ, और दो कार्बन होंगे तो नाम के पहले लगेगा इथ, प्रीफिक्स। तीन होंगे तो नाम के पहले लगेगा प्रॉप, चार होंगे तो नाम के पहले लगेगा बट,
या बीयूटी, ब्यूट बोल लो, बाकी मैथ के अकॉर्डिंग चलेगा। पांच होगा तो पेंटागन का बनेगा पेंट, छह होगा तो हेक्सागन का बनेगा हेक्स, ठीक है प्रीफिक्स। सात होगा तो हेप्ट, आठ होगा तो ऑक्ट, नाइन होगा तो नॉन, एनओएन नॉनेन, और टेन होगा तो डेक डिकेन। प्रीफिक्स मैंने बता दिया, अब मैं बताऊंगा सफिक्स क्या होता है। सफिक्स ठीक है जो नाम के बाद लगता है, अगर अलकेन फैमिली का मेंबर होगा तो सफिक्स होगा ए एन ई, ए एन ई। अल्कीन फैमिली का मेंबर होगा वो अल्कीन का तो सफिक्स होगा ई एन ई। अल्काइन फैमिली का मेंबर होगा वो तो सफिक्स होगा वाई एन ई, ठीक है। सो देर आर थ्री सफिक्स, तीन सफिक्स है हमारे पास, या तो अल्केन होगा या अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, दिखाई दे रहा है डी सी है ना। तो ये आपकी टेबल बनेगी, मतलब अगर मैं पहला मेंबर बनाने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला मेंबर यहां से क्या उठाओ, यहां से मिथ उठाओ और यहां से ए एन ई उठाओ और नाम बन जाएगा मिथ प्लस ए एन ई, मिथ एन मिथेन। आप रट्टा मारते थे बचपन से सी एच फोर फॉर्मूला होता है, बट आपको पता नहीं होगा। अभी देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अल्केन का, अल्केन का फॉर्मूला था सी एन एच टू एन प्लस टू, एन की जगह वन डालना, लेट एन इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया सी वन एच टू इन टू वन प्लस टू, तो ये हो गया सी एच टू प्लस टू, तो ये हो गया सी एच फोर मिथेन। इसी को तो बोल रहा हूं मैं मिथेन, आने बचपन से रट्टा मारा ना मिथेन सी एच फोर होता है, यहां पे बैठा है वो कि क्यों होता है, समझे। तभी मैं कई बच्चों को समझाता हूँ जो नाइन्थ में पढ़ते हैं मुझसे, कि यार अभी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि टेंथ में जाएंगे डिटेल में। अब समझ आ गई होगी मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, जो बच्चे टेंथ नाइन्थ में पढ़ रहे थे मुझसे, जो नाइन्थ टेंथ में वीडियो देख रहे हैं उनके पास समझ आ गई होगी कि मैं क्यों बोलता हूँ। अभी फिलहाल लर्न कर लो, क्योंकि इतना डिटेल स्टडी हम नाइन्थ में नहीं करा सकते ना, यही वजह है, समझे। अब मैं हर एक के ना तीन तीन मेंबर बना के दिखाऊंगा आपको, मैं होमवर्क में दूंगा, जो बचे हुए सात मेंबर है वो आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। और इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब के पांचों के बॉन्ड और डॉट स्ट्रक्चर कराने वाला हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम अल्केन से, जैसे मिथेन हो गया, इसका नाम क्या पड़ेगा, मिथ और एन मिथेन। अगर मैं अगले का नाम बोलूं बताओ क्या होगा, इथ उठाओ और एन उठाओ, इथ एन इथेन। अगले का प्रोप एन प्रोपेन, ब्यूट एन ब्यूटेन, पेंट एन पेंटेन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, ये सारे नाम हो गए इनके, ठीक है। अल्केन फैमिली बताता हूं मैं आपको, अल्केन फैमिली, अल्केन फैमिली, अल्केन इरेज कर दूं इसको मैं। शुरुआत करते हैं अल्केन फैमिली से, फिलहाल मैं अल्केन के बारे में बता रहा हूं, तो मैं अल्केन लिख देता हूं और इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है इसका सी एन एच टू एन प्लस टू, क्लियर है। अब पहला मेंबर बनाने जा रहा हूं मैं, तो पहला मेंबर उसका मिथ उठेगा, बस आपको चार चीजें याद रखनी है, बाकी तो मैथ्स के अकॉर्डिंग है, क्या मिथ एथ प्रॉप और ब्यूट, बस बाकी एन ही तो लगा ही लेंगे हम। मिथ और एन क्या बना, मिथेन, एन की जगह वन डाल दो, एन की जगह वन डालोगे तो ये होगा सी वन एच टू वन प्लस टू, तो ये हो गया सी एच फोर पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे आप बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये वन टू थ्री सी एच फोर बन गया। नंबर टू मेंबर क्या होगा, नंबर टू होगा इथेन, क्या होगा इथ एन, इथेन में हम क्या करेंगे एन की जगह टू डालेंगे ना, क्योंकि एन कितना होता है, इथ में टू होता है, मिथ के बाद इथ आता है, एन की जगह टू डालो तो ये हुआ सी टू एच टू इन टू टू प्लस टू। फॉर्मूला क्या होता है इसका सी एन एच टू एन प्लस टू, तो ये हो गया सी टू एच फोर प्लस टू सी टू एच सिक्स। लो पहला स्ट्रक्चर सी टू एच सिक्स। दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, दो सी बनाओगे उनमें सिंगल बॉन्ड डालोगे, सिंगल बॉन्ड की वजह पता है आपको, क्योंकि एन फैमिली है, एन फैमिली हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाती है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, कार्बन के चारों तरफ आपको फोर बॉन्ड दिखने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं बिना फॉर्मूले के कराऊंगा अभी मैं आपको, नेक्स्ट जो टू कराऊंगा ना बिना फॉर्मूले कराने वाला हूं मैं, ये फॉर्मूले को इतना यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले सिर्फ एमसीक्यू में आएगा, टिक करेंगे, बाकी वन मार्कर में आएगा बस, कभी अगर उसमें आ गया तो। फाइव मार्कर में ना, वन मार्कर में आ जाता है, फाइव मार्क वाले क्वेश्चन में एक मार्क का बना देगा सब पार्ट, ठीक है। बिना फॉर्मूले के करेंगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। आपको सिर्फ चार चीजें याद रखनी है, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट। अब ध्यान से देखो, इसके पास एक बॉन्ड है इसको तीन दे दो, इसके पास भी एक बॉन्ड है इसको तीन दे दो, ये लो ये बन गया बन गया बन गया, क्या बन गया ये इथेन। तीसरा स्ट्रक्चर,
इस सी पे कितने एच लगे, तीन लगे है ना, दिख रहा होगा आपको सी एच थ्री। इस सी पे कितने एच लगे, तीन लगे सी एच थ्री। लो बन गया, तीन स्ट्रक्चर बन गए इथेन के। अब मैं अगला स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मैं मान रहा हूं कि आप फॉर्मूला भूल चुके हो, आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं है, भूल चुके हो फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले करेंगे हम। अगले का नाम क्या बनेगा, इसे यहां से प्रॉप उठाओ और यहां से एन उठाओ, तो प्रॉप एन, प्रोपेन। क्लियर है, प्रॉप मतलब कितने कार्बन, आपको बस इतना रखना चाहिए। मिथ का मतलब एक कार्बन, इथ का मतलब दो कार्बन, प्रॉप का मतलब तीन कार्बन और ब्यूट का मतलब चार कार्बन। तो प्रॉप मतलब तीन कार्बन, आपने कुछ नहीं करना, पहला स्ट्रक्चर बनेगा, आपने तीन कार्बन लगाने हैं और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड डालना है। सिंगल बॉन्ड क्यों डाल रहा हूं मैं, बिकॉज ये एन फैमिली है, ठीक है। इसके बाद एक बॉन्ड है इसको तीन दे दो, इसके पास दो बॉन्ड है इसको दो दे दो, इसके पास एक बॉन्ड है इसको तीन दे दो, और सब पे क्या लगा दो, इसका बेस्ट फ्रेंड एच, सब पे लगा दो एच। लो बन गया, ना मैंने कोई फॉर्मूला लगाया ना कुछ लगाया, कितना सिंपल है। बी पार्ट, इस सी पे कितने एच लगे, तीन, तो ये हो गया सी एच थ्री। इस सी पे कितने एच लगे, ये दो लगे सी एच टू, और इस सी पे कितने लगे, तीन लगे सी एच थ्री। तीसरा स्ट्रक्चर सी थ्री, सी तीन है ना, तीन चार पांच और आठ, एच एट, सी थ्री एच एट, बन गया। एक और ट्राई करना, करूं एक और ट्राई। प्रॉप के बाद अगला क्या आता है, ब्यूट आता है, इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, लिखो इसको एक बारी, उसके बारे में आगे चलेंगे, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस की गेम है, मैथ्स की तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आप अगर सिर्फ इसको मूवी की तरह देखोगे ना, फिर से दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि लिख तो रहे हो नहीं आप। कॉपी पेन निकालो, लिखो इसको अभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना, बेस्ट रहेगा, तभी याद रहती है चीजें। क्लियर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि अगला मैं ब्यूट बना के दिखा रहा हूं आपको ना। नंबर फोर, ब्यूट एन, ब्यूट और एन क्या बना, ब्यूटेन। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, ब्यूट का मतलब हुआ चार कार्बन, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। ब्यूट का सिर्फ इतना याद है, मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, बाकी पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक तो है ही। तो ब्यूट मतलब चार कार्बन, तो वन टू थ्री फोर, बन गया पहला स्ट्रक्चर। अब इसके पास कितने बॉन्ड है, इसके पास एक बॉन्ड है, इसको तीन दे दो, इसके पास दो है दो दे दो, दो है दो दे दो, एक है तीन दे दो। लो बन गया ब्यूटेन, बिना फॉर्मूले के बन गया। लो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, इस सी पे तीन एच लगे हैं सी एच थ्री, इस सी पे दो एच लगे हैं सी एच टू, इस सी पे दो लगे हैं सी एच टू, और इस सी पे तीन लगे हैं सी एच थ्री, हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर सी फोर, एच गिन लो, एच गिनो, तीन चार पांच छह सात, सात और तीन दस, सी फोर एच टेन, हो गया। क्लियर है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी हो चुका है। अब नेक्स्ट थ्री आप होमवर्क में करोगे, यही आपका काम है, मतलब पेंटेन आप होमवर्क में करोगे, पेंटेन हेक्सेन और हेप्टेन, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपने करना है, मैं दो दिन में अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो की, ठीक है। इसके बाद हम अगली उसमें चलते हैं, अगले मेंबर का नाम क्या है, इट इज अल्कीन, क्या नाम है, अल्केन हो गया ना, अगले का नाम है अल्कीन, ए एल के ई एन ई, ए एल के ई एन ई, अल्कीन। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था सी एन एच टू एन, याद है। आप अगर पहला मेंबर बनाने की कोशिश करोगे तो पहला याद है क्या होता था, मिथ सीक्वेंस याद कर लो क्लास में, मिथ एथ प्रॉप और ब्यूट, मिथ में एक कार्बन, इथ में दो कार्बन, प्रॉप में तीन कार्बन और ब्यूट में चार कार्बन। तो ये हो गया सी एन, एन की जगह वन डालना, एन की जगह वन डालो, तो ये हुआ सी वन एच टू इंटू वन सी एच टू। तो सी के पास दो एच है, बट आपको पता है ना कार्बन की चारों तरफ चार बॉन्ड होते हैं, इसके दो हाथ तो खाली रह गए, हाथ कभी खाली नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसको काट दो, इसलिए मिथ इन जैसी, नाम क्या बनेगा इसका, मिथ पहला मिथ और ई एन ई फैमिली है ना, ई एन ई, इसका ई एन ई लगेगा, तो मिथ इन जैसी कोई चीज नहीं होती, याद रखना। इसका नंबर वन पे आएगा इथ इन, इथ इन, इथीन। क्लियर है, इथ मतलब कितने कार्बन आपको पता है, इथ मीन्स टू कार्बन, तो दो कार्बन है आपके पास, एक और दो, बन गया पहला स्ट्रक्चर। अब आपको बस एक बात ध्यान रखना है, कार्बन के चारों तरफ चार बॉन्ड होने चाहिए, दैट्स इट। इसके पास, अच्छा डबल बॉन्ड लगाऊं, रीजन आप बताओ,
बिकॉज इट इज इन फैमिली. इन फैमिली की खास बात यही होती है कि वो क्या लगाता है, वो हमेशा डबल बॉन्ड लगाता है. आपको बस ध्यान रखना है कितने एच देना है. देखो इसको दो है, दो दे दो, दो है दो दे दो. लो कितना सिंपल हो गया पहला स्ट्रक्चर. दूसरा स्ट्रक्चर इस पे क्या बना, कितने एच लगे हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड, कितने एच लगे सी एच टू. तीसरा स्ट्रक्चर सी टू एच कितना है, दो और दो चार, सी टू एच फोर. सिंपल है. अगला बनाए, अगला देखो, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं, यहां बनाया तो अगला. नेक्स्ट इज इथ के बाद आएगा आपका मिथ, इथ प्रॉप, प्रॉप आएगा. तो प्रॉप हम यहां बनाते हैं, नंबर टू पे आएगा प्रॉप इन. प्रॉप मतलब कितने कार्बन, तीन कार्बन. बस एक बात का ध्यान रखना, क्या कि हमेशा डबल बॉन्ड लेना, फर्स्ट के बाद ही लगाना. कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो मैटर नहीं करता, कभी भी डबल बॉन्ड यहां मत लगाना. क्यों मत लगाना मैं आपको आगे बताऊं, क्योंकि मैंने सिलेबस का पार्ट नहीं है, है ना. बट आपको नेमिंग सीखनी है तो उसकी वीडियो में अलग से डाल दूंगा ऐसी चीजों की नेमिंग करने की. फिलहाल मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट कार्बन के बाद लगाना. अब ये अल्कीन फैमिली को बता रहा है कि वो अल्कीन का मेंबर है. आप बीच में लगाओगे तो नाम बदल जाएगा उसका, ठीक है. अच्छा, और सब पे भी मत लगाना, कई बच्चे ये भी गलती करते हैं. ये देखो येलो 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 सब पे डबल बॉन्ड, फिर एच नहीं लग पाएंगे, तो बिल्कुल गलत है. हमेशा पोजिशन याद रखना, कहां लगेगा, फर्स्ट कार्बन के, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड लगाना. बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने सबकी वैलेंसी को पूरी करना है, दैट्स इट. आप ही मुझे बताओ, फर्स्ट कार्बन के चारों तरफ दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दो दे दो, कितना सिंपल है ना. सेकंड कार्बन के चारों तरफ तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, एक दो तीन, एक दे दो, क्योंकि चार होने चाहिए. इसके पास एक दिख रहा है, तीन दे दो. लो हो गया, सब पे एच लगा लो. इट्स सो सिंपल, बन चुका है, ये रहा, बन गया पहला स्ट्रक्चर. दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना, सी पे दो एच लगे ना, सी एच टू, इस पे एक एच लगा सी एच, और इस पे तीन लगे सी एच थ्री. तीसरा स्ट्रक्चर बना सी थ्री एच, तीन और दो पांच और एक छह. लो उसका डबल ही आ रहा है, फॉर्मूला भी यही होता है, सी एन एच टू एन. ठीक है, मिथ तो हो ही नहीं. इथ प्रॉप, प्रॉप के बाद क्या आएगा, ब्यूट. मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जरा नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को. अब मैं आपको ब्यूटीन बना के दिखाता हूं, ब्यूटीन, ब्यूटीन. एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करना कि आपसे हो रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं होगा. ब्यूट मतलब कितने कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन. तो वन टू थ्री फोर, मैंने बताया इन मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सिर्फ यहां पे आएगा. अभी बताइए बस आपको मैंने, बस वैलेंसी पूरी करते चलो. इसके पास दो है, इसको दो दे दो. इसके पास तीन है, इसको एक दे दो. इसके पास दो है, दो दे दो. एक है, तीन दे दो. बस एक बात का ध्यान रखा है, चारों तरफ चार बॉन्ड होने चाहिए, दैट्स इट. सब पे क्या लगा दो, सब पे एच लगा दो. पहला स्ट्रक्चर. दूसरा क्या बना, सी एच टू सी एच, गोले में नहीं मारना, समझ आ रही है बात. तो सी एच टू सी एच थ्री. अगला क्या बना, सी फोर एच एट. लो इजी हो गया ना, जैसे मैंने अल्कीन पढ़ाया वैसे ही आप एक बार अल्काइन ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके. ए एल के वाई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसमें, डबल की जगह ट्रिपल आएगा. कोशिश करो, उसमें भी मिथाइन नहीं बनेगा, इथाइन से स्टार्ट होगी. ठीक है, स्टार्ट करो एक बार. मेंबर नंबर थ्री की बात कर रहे हैं हम, मेंबर नंबर थ्री, मेंबर नंबर, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना. मेंबर नंबर थ्री है आपका अल्काइन, अल्काइन, अल्काइन. अल्काइन में पहला मेंबर हम बनाएंगे इथ वाई एन ई, इथाइन. और वाई एन ई का मतलब ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैंने बताया था. तो आप सी लो, सी लो, बीच में तीन बॉन्ड लगा दो, दैट्स इट. वाई एन ई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथ मतलब दो कार्बन, इथ का मीनिंग टू कार्बन, और वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड. अब बस वैलेंसी पूरी करते चलो. इसके पास तीन बॉन्ड है ना, इसको एक दे दो. इसके पास तीन है, इसको एक दे दो. लो हो गया, सो सिंपल. पहला स्ट्रक्चर. दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना, सी एच और सी एच, ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो वैसे, कई स्कूलों में ऐसे लिख देते हैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ऐसे भी लिख सकते हैं. तीसरा सी टू एच टू, हो गया. इथ क्या, क्या सीक्वेंस याद है, मिथ इथ प्रॉप और ब्यूट. इथ के बाद आएगा मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप वाई एन ई, प्रॉप वाई एन ई. प्रॉप मतलब कितने कार्बन, वन
टू थ्री, और वाई यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये लो। पहले वाले कार्बन के पास तीन बॉन्ड है ना, इसको एक दे दो। बीच वाले कार्बन के पास वन टू थ्री फोर मत दो, क्योंकि ऑलरेडी चार बॉन्ड हो चुके हैं। थर्ड वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड है, इसको तीन दे दो। लो, ये बन गया आपका पहला स्ट्रक्चर प्रोपाइन का। दूसरा स्ट्रक्चर, इस सी पे कितने एच लगे हैं? सी एच। इस पे नहीं लगा सी, इस पे तीन लगे हैं सी एच थ्री, सिंपल। तीसरा स्ट्रक्चर सी थ्री एच तीन और एक चार। आप बोलोगे सर आप तीन तीन स्ट्रक्चर क्यों करा रहे हो, एग्जाम में ना ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो आपको पहचान में आने चाहिए ना, आपका दोस्ती तो है, कहीं कभी भी कुछ भी बन के आ जाएगा, पहचान लोगे ना। आपका दोस्त आएगा आंखों पे हाथ रखेगा, बोलेगा पहचान कौन, आप जो भी गाली वाली देके बोलोगे कि हाँ चल ठीक है तू मेरा दोस्त है, तो पहचान लोगे ना, आवाज से पहचान लोगे, तो ये भी तो दोस्त है, दोस्ती करो इनसे भी। तीसरा है प्रॉप के बाद आता है ब्यूट वाई यानी ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूट मतलब चार कार्बन, तो वन टू थ्री फोर ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया। इसके पास फर्स्ट वाले कार्बन के पास तीन बॉन्ड है, इसको एक दे दो। इसके पास ऑलरेडी चार है मत दो, इसके पास दो है दो दे दो, एक है तीन दे दो, सब पे एच लगा दो, लो बन गया। अब तो इजी हो गया होगा आई थिंक, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको क्या करना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका आधा काम खत्म, क्योंकि आगे सारी टेबल आपको समझ आएगी, एच कितने हैं तीन चार पांच छह, ठीक है। और आप अपने आप नोटिस करोगे एक और बात, कहना ये फॉर्मूलो को भी वेरी वो कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था इसका, याद है इसका, आई वाई एन ए का फॉर्मूला बताया था मैंने, सी एन एच टू एन माइनस टू, आप एन की जगह फोर डालना, ये हुआ सी फोर एच टू इंटू फोर माइनस टू, सी फोर एच आठ माइनस टू, सी फोर एच सिक्स, देखो अपने आप चेक कर लो मैच कर रहा है। तो अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, और ये होमवर्क करोगे तभी मैं कह सकता हूं, आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको कार्बन अच्छे समझ आएगा, नहीं तो आपको फिर आगे दिक्कत आएगी कार्बन में, क्योंकि ये बेसिक समझ नहीं आएगा तो आगे में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है चेक कर लो एक बार, मैं रेस कर दूं इसको। आपने अलकेन, अलकीन और अलकाइन के फर्स्ट फाइव मेंबर बनाने हैं, ठीक है, फर्स्ट फाइव मेंबर्स बनाने हैं आपने, बॉन्ड बनाने हैं तीनों, तीनों पार्ट जो तीनों में बना रहा हूं पार्ट, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके इलेक्ट्रॉन नोट कराने वाला हूं, वो जब ही समझ आएंगे जब आपको बॉन्ड आता होगा। यही आपका होमवर्क है, ये हमने कर लिया था, अभी हमने कराया था आपको, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कर लिया था। ये देखो ये वो है टेबल है, सी एन एच टू एन प्लस टू सिंगल बॉन्ड, एच टू एन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको जरा दो मिनट के लिए इग्नोर मारो, ये अभी काम नहीं आएगा, आगे काम आएगा जब करा दूंगा। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक, अल्केन के लिए ए एन ई, अल्कीन के लिए ई एन ई, अल्काइन के लिए वाई एन ई, सिंपल, ठीक है। तो मिथेन का आपको स्ट्रक्चर ये रहा, इथेन का ये रहा, प्रोपेन का ये रहा, अल्कीन में इथीन का ये रहा। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रखी है, जस्ट इमेजिन, ये एनसीआरटी में से निकाला स्क्रीनशॉट ये, देखो कार्बन के कितने बार बना रखे, वन टू थ्री फोर फाइव, विच इज टोटली रॉन्ग, यहाँ पे एक एच नहीं होगा, अभी बताया मैंने आपको, है ना। सोचो हमने एनसीआरटी को भी गलत कर दिया, मुझसे बढ़ोगे तो यही होगा, वन टू थ्री फोर। आगे चले, ये मैंने ये भी करा चुका हूं आपको, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, क्लियर है। प्रैक्टिस की गेम है, प्रैक्टिस करो, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कार्बन में टॉप करोगे, और सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा कार्बन आपको, ठीक है। सो आज हम पार्ट थ्री आपका यहीं तक करने वाले हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर इस नंबर पे कोई मैसेज छोड़ देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।